जिथा मैं वेनी आ तू उथा भजा नहीं लूत वांगू मेरे पिछू पिछू लगा रहा नहीं ए तड़ा सुमेकू तू मेरा कौन है मोबाइल है ए तेरे पीछे क्या नहीं आंदा तू ही कू अपने नाल चिपकाई रखे नहीं है हर वेले लूत आली कार सुनते पे इरशाद ऑफिस तू आंदे हो वाल झड़न तू रोकण आला एक तेल दी हमावे तो तेरे वाल कितों झड़ते हैं ना रस्सियां वर्गे तो पैन मेरे क्या नहीं झड़ते पे मेरे टूथब्रश पे झड़ते पे टूथब्रश ओ छाट दे हुकू अच्छा थोड़े जवाब झड़ गए तो हुकू छोड़ दे वा तो आने थोड़े जवाब झड़ गए सिर तो आपको मैं छोड़ दे सब जेले पूरा गंज पै गए सी ना वन छोड़े सब तेरा मतलब है जले मेरे गांडे पै गए सी तू मेरे को छड़ दे से मैं तुम्हारी गल कह नहीं करेंगी भाई मैं अपने टूथब्रश की गल करेंगी भाई हां वैसे तू सगंजे थी के लग सो तो भेड़े फिर यार शट अप ओ तेको अक्ल है गल करन दी जले देखो बकवास करेंगी रानी है बेवकूफी वाली गाली करेंगी रानी है दिमाग है सही रोंदी क्यों पई है तू सब जरा कुछ मर्जी आखी मनो मैं रोवा भी ना तिरपाल तुम ये बेवकूफी वाली हैं गल्ला ही क्यों करनी है अच्छा तुम्हारा मजाक मजाक होंगे मेरा मजाक बेवकूफी होंगे मैं कुछ नहीं समझ गया नहीं मैं टूथ ब्रश से तेल लावा मजाक करे थे भैया अच्छा ओ मैं भी तेरे ना जान बुझ के लड़दा पे आवां असल विच ना जने तो रोनी है ना मेरे को बहुत सोनी लगती है अच्छा हम चुप करवाने ठंड रख मैं ऑफिस रेंदा पे आंदे हुए तेरा नवा टूथब्रश भी घिन के आता ठीक है तेरा नवा टूथब्रश गिना क्या गल टूथब्रश पसंद क्या नहीं आया रोवन लग गई है ना पसंद आया तो वाल किसी ने कुछ आख दिते ना कुछ क्या नहीं आख्या उपेत के अंदर घर तो सब ठीक है ना हाँ सब ठीक ते वाल रोंदी क्यों बैठी है तू सब अकेले सिर्फ तू रोंदी बड़ी सोनी लग गई है ना ना सोनी लगती है रोंदे सोनी लगती है फिर मैं तो आपको हंसते हुए सोनी क्या नहीं लगती ना तू हंसते हुए भी सोनी लगती है मैं तो आपको रोंदे हुए सोनी लगती है हंसते हुए सोनी लगती है उम्मे सोनी क्या नहीं लगती ये वो बन जवाब तू ना देखो ना मार ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਥੀਵੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘੰਟੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁ ਬਹੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ